उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस थाना क्षेत्र के बुलगढ़ी में वाल्मीकि समाज की बेटी की असमात लूटकर उसकी जीप काटने, गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा देने के संबंध में क्षेत्र के पूर्व विधायक निशंक जैन और वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु और महिलाएं एक जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए SDM कार्यालय पहुंची और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पटना वाल्मीकि समाज की बेटी कुमारी मनीषा के साथ आरोपियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी जीप काट दी ताकि वो अपने साथ हुई घटना के बारे में किसी को बता ना सके। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं किया गया। परिवार की बगैर अनुमति के पोस्टमार्टम करते हुए उक्त आरोप लगाते हुए शकल वाल्मीकि समाज समस्त अहिरवार समाज गंज बासुदा द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज ये ज्ञापन हमें बड़ी वेदना के साथ ये ज्ञापन लेना पड़ रहा है कि हमारी वाल्मीकि समाज की एक बेटी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जिले में एक गांव की रहने वाली थी, हमारी बहन 19 वर्षीय मनीषा वाल्मीकि के साथ विगत दिनों बलात्कार की घटना हुई और घटना के बाद उसके साथ दर्दनाक तरीके से उसकी जीवा और रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, काटा गया और इस घटना के बाद उपचार के दौरान हमारी बहन की जो मृत्यु हुई है, जिससे पूरे भारत का वाल्मीकि समाज आक्रोशित है। क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि जब किसी बड़े वर्ग की, बड़े समाज की बेटी के साथ अगर कुछ होता है तो पूरे संगठन एक हो जाते हैं, पूरे हिंदू संगठन ज्ञापनों पे ज्ञापन देने लगते हैं। क्या वाल्मीकि समाज की बेटी हिंदू नहीं है? क्या वाल्मीकि समाज हिंदू नहीं है? अगर हम हिंदू नहीं है और हमारी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम हिंदू धर्म छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। पूरा वाल्मीकि समाज अपना धर्म अलग से बनाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।